हेलो एवरीवन, आज है 19 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। देखिए, भारतीय एयरटेल में गिरावट आई, बाद में बढ़िया से बाउंस बैक करने लगा शेयर, लेकिन दोबारा से अब ये गिरावट की तरफ जा रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि भारतीय एयरटेल के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं आपको जो जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने किन किन शेयर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। 465 470 रुपए के बीच में ये शेयर अभी झूले झूल रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में अच्छी खासी रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं। आप देखिए, 18% का ग्रोथ यहाँ पर आया है। 400 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर पहुंच गया था, धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर उठा शेयर, 485 रुपए तक गया, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक साल में अगर हम देखें तो 6.5% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, कोरोना काल में ये शेयर टूटा जरूर था, 400 रुपए के आसपास पहुंच गया था ये, लेकिन दोबारा से बढ़िया रैली यहाँ पर आई और 600 रुपए तक ये शेयर गया, वो भी उस वक्त जहां पर बड़े बड़े दिग्गज शेयर टूट रहे थे वहां पर टेलीकॉम के शेयर में तेजी थी। रीजन ये था कि देखिए, इनका जो पैसा था वो तो लगातार आ ही रहा था, इनको ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था कोरोना। इवन वर्क फ्रॉम होम जब असाइन हुआ तो लोगों का जो डेटा कंजम्पशन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया ऑनलाइन क्लासेस की वजह से और बाकी सारी चीजों की वजह से यहाँ पर देखिए। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई वो रुकने का नाम नहीं लिया और 400 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया, लेकिन अब धीरे धीरे संभल रहा है शेयर और ऊपर उठने की कोशिश भी कर रहा है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो भारतीय एयरटेल में पिछले 3 साल में 3.5% का ग्रोथ है। अब देखिए, इससे पहले भी शेयर टूट गया था 260 रुपए के आसपास, तेजी आई गिरावट आई तेजी आई गिरावट आई, दोबारा तेजी की तरफ शेयर जा रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा के इसके मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। एनएससी में देखने तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 36.04% की होल्डिंग है। एफआईएस ने बिकवाली की है, लेकिन उसके कंपेयर में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी की है। एफआईएस की 20.15% की होल्डिंग 17.57% हो चुकी, मतलब 2.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआईएस के द्वारा बेची गई है, जबकि म्यूचुअल फंड ने बढ़िया खरीदारी की है, 12.79% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 14.36% पहुंच चुकी है, मतलब तकरीबन 1.5% से भी ज्यादा का ग्रोथ म्यूचुअल फंड ने यहां पर दिखाया है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 5.20% की जो होल्डिंग थी वो 5.47% पहुंच चुकी, मतलब 0.27% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भी बढ़ी है। प्रमोटर की बात करें तो भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड है, 36.04% की होल्डिंग है उनकी और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम और 957 एफआईएस का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर की बात करें तो आईसीआईसीएल प्रूडेंशियल है, 3.19% की होल्डिंग है, 40% का डिविडेंड भी पे कर रहा है ये शेयर। अगर मैं भारतीय एयरटेल के बारे में देखूँ तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी शानदार है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करने जाए तो भारतीय एयरटेल, इवन अगर हम टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो उनके बिजनेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है, और जो कर्जा था इनका एजीआर ड्यूज का उसके लिए भी उनको वक्त मिल चुका है पे करने के लिए 10 साल का, और धीरे धीरे वो अपना कर्जा भी चुका रहे। और दूसरी बात ये कि ऑलरेडी इस कंपनी ने उतनी ज्यादा फंडिंग कर ली है कि इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इतने ज्यादा कर्जे को लेकर, वो आराम से अपना कर्जा चुका सकते हैं। और टेलीकॉम सेक्टर में अभी के वक्त में 2 कंपनियों राज कर रही है इंडिया में, पहला है जियो और दूसरा है एयरटेल, और दोनों के ही जो यूजर्स है सब्सक्राइबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से कोरोना के चलते लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले 100 GB डेटा का इस्तेमाल कर रहे थे महीने का, अब उनको 200 GB भी कम पड़ रहा है। इवन जो ऑनलाइन क्लासेस है जो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि और डेफिनेटली कोविड के वक्त में लोग ऑनलाइन क्लासेस को ही ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो ऐसे में जो इनका डेटा कंजम्पशन है वो भी वहां पर बढ़ चुका है।
तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं इन कंपनियों को फायदा हुआ है और भारतीय एयरटेल उन्हीं में से एक कंपनी है। और आने वाले दिनों में जो इनके आरपूज है वो भी बढ़ने वाले, क्योंकि टैरिफ प्लान बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस दिन अनाउंसमेंट हो गई, हल्का सा भी अंदेशा आ गया कि भैया सारी टेलीकॉम कंपनियां 15 से 20% अपना टैरिफ प्लान बढ़ाने वाली है, तो अगेन आपको शेयर में एक बड़ी स्पाइक देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल अगर हम एक और चीज में दिखाने की कोशिश करो, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज में दिखाऊं तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के बड़े बड़े टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं भारतीय एयरटेल को लेकर। याद रहे भारतीय एयरटेल का जो शेयर है ये अभी ट्रेड कर रहा है 470 रुपए के आसपास, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 700 रुपए तक के है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 700 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, शेर खान ने 710 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, भारतीय एयरटेल का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने 650 रुपए दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के द्वारा। इवन डोलट कैपिटल की बात करें तो उन्होंने भी 660 रुपए तक का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। तो काफी अच्छे टारगेट प्राइस यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं और डेफिनेटली ये कंपनी में पोटेंशियल भी है और ऊपर जाने का। एक और चीज में दिखाने की कोशिश करूं तो सबसे अच्छे जो और जो पॉजिटिव चेंज है वो ये है कि पिछले कई क्वार्टर से ये कंपनी नुकसान में थी, लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी को फायदा हुआ है। भले ही 8 रुपए का फायदा है, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस से बाहर आई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और आने वाले क्वार्टर में दिसंबर में हो सकता है कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव प्रॉफिट भी देखने को मिल सके। देखिए सितंबर क्वार्टर में 8 रुपए का प्रॉफिट है, इससे पहले 15,360 करोड़ के आसपास का लॉस था, इससे पहले 4,885 करोड़ के आसपास का लॉस था, इससे पहले 312 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 23,145 करोड़ का लॉस था। तो ये लॉस आप देख रहे हो बहुत बड़े लॉस है, ये बहुत बड़े लॉस है ये। तो यहाँ पर सितंबर में 8 रुपए का प्रॉफिट एक पॉजिटिव ट्रेड क्या कहते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है, जिससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जब दिसंबर के नतीजे आएंगे तो कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेगी, कंपनी का अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी खासी होल्डिंग एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी की भी देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल मेरे हिसाब से एक अच्छा शेयर है, अगर आपका नजरिया आने वाले 6-7 महीने तक तो निवेशित रहने का हो तो अच्छा शेयर है। बीच में अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन शेयर आपको धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में 500 रुपए और लॉन्ग टर्म में 550 से लेकर 575 रुपए तक के टारगेट आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह होगी, फ्रेश बाइंग करना चाहो जरूर कर सकते हो, डरने की बात नहीं है। और अगर गिरावट यहां से आती भी है तो आप थोड़ी क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हो। तो इसीलिए एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती भी मत करना, ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदा होगा यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारतीय एयरटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।